अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई और नई टाइम की आपको मिलता रहे। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है दाल भरी रोटी। और मतलब दाल भरी रोटियाँ हम कैसे बनाएंगे, ये आप चाहे नाश्ते में बना लें चाहे लंच में, जब आपका दिल करे, क्योंकि गर्मियों के मौसम में दिन बड़े होते हैं तो आप लोग इसको जिस टाइम मर्ज़ी बनाकर खा सकते हैं। तो ये किस तरह बनेगी, दाल को मम्मा ने किस तरह तैयार किया है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाली हैं, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भैया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ना पेड़े निकाल लिए दो, ठीक है। अब मैं ऐसे 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 करके ना बेल लेती हूँ। दाल वाली रोटी के लिए जौन से हैं पेड़े हम लोग यहाँ पर बेल रहे हैं। पेड़े बेलने के बाद इसके अंदर हम दाल की फिलिंग करेंगे, तो बहुत ही मज़ेदार दाल वाली रोटी। अच्छा, इसमें मैंने सूखी मेथी डाली है, ठीक है, और प्याज डाला, सूखी मेथी डाली है, तो हरी मिर्च है इसमें। अब ये सारा मिक्स और नमक भी डाला है आपने? हाँ जी, नमक भी डाला है। अच्छी, वो अपनी मर्जी से ना आप कर सकते हैं काम, मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम लोगों ने ये जो सी दाल है इसकी फिलिंग करनी है। रोटी हम लोगों ने यहाँ पर बेल ली है। तो ये हम लोगों ने फिलिंग कर ली है इसकी दाल की। आज सुबह के नाश्ते में मैंने कहा मैं बच्चों को ना यही बना के दूँ सुबह का नाश्ता। दाल थी ना पकाई थी हम लोगों ने, तो वो तो बजाय इसके कि अगर आप लोगों ने वो खाना इस्तेमाल नहीं किया उसको ज़ाया करने के, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये किसी तरह बेस्ट वे कि आप इस तरह सुबह के नाश्ते में उसको रोटी बनाकर इस्तेमाल कर लें। तो ये अब इसको हम अच्छे से ज़रा ना जायका भी बदल जाता है कि नाश्ते में। ये है कि रोज़ाना डब रोटी अंडा या बाजार का नहीं खाया जाता ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। हम लोग ऐसे ज़्यादा पराठे नहीं बनाते, मतलब कुछ लोगों की रूटीन होती है ना कि उन्होंने डेली रोटी खानी है नाश्ते में या पराठे ही बनाने हैं। हमारा ऐसा नहीं होता, हम लोग मतलब यही बेकरी वगैरह का ही होता है हमारा कि हम लोग वो नाश्ता मंगवाते हैं, लेकिन आज हम लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। तो अपने व्यूवर्स के साथ भी, अपने देखने वालों के साथ भी हम लोग इसको शेयर कर दें। तो व्यूवर्स, आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखा करें, इसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलें। हमें कमेंट करें, अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप हमें सजेशन दे सकते हैं। इसको हम चूल्हे पर बड़े तवे के ऊपर डाल रहे हैं और आपको बनाकर दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर रोटी हम लोगों ने तवे पर डाल दी है, इसको हमने पलटना नहीं है जब तक इसकी साइड को वो हम लोग मतलब जो कहते हैं वो चीटी या मतलब थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता इसका कलर, जब तक कलर चेंज होगा हम इसकी साइड को चेंज नहीं करेंगे। जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा रोटी हमारी जो सी है वो पक जाएगी, तो फिर हम इसको चेंज करके आपके सामने बनाकर आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, हम लोगों ने इसकी साइड को चेंज कर लिया है। ये देखिए इसके ऊपर निशान पड़ गए, जिसका मतलब है जो सी रोटी हमारी बन गई है। इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाना है। इसे पहले मत लगाएं, क्योंकि अगर आप इसे पहले लगाएंगे तो जब आप रोटी को पलटेंगे तो वो गर्म गर्म घी आपके पाँव पर या आपके ऊपर गिर सकता है, तो किसी भी बड़े नुकसान का बाइस बन सकता है। तो थोड़ा सा एहतियात किया करें इन हवालों से। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया है, कितनी खूबसूरत हमारी रोटी लग रही है। खुशबू का तो क्या ही कहना, बहुत ही उम्दा ज़बरदस्ती आ रही है। ये खुशबू से मुँह में पानी आ रहा है कि जल्दी से गर्मा गर्म रोटी जो उस चीज़ को खा लें। हाँ जी, ये हमारी रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं ना इसे ना उतारती हूँ, तो वैसे उतारती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो दाल वाली रोटी है वो तैयार हो गई है। ये है इसका फाइनल लुक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। इसकी फिलिंग भी नज़र आ रही है, एक साइड को हम लोगों ने खोल दिया और दूसरी साइड भी आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी जो रोटी हमारी बन गई है। तो व्यूअर्स, देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ऊंची ऊंचा बोलो ना, मेरी मम्मा को लाइक करें, और ऐसे बोलो ऐसे लाइक करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।